फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यही टेंस है जिसे सीखने के लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं। आपको अपना नाम बताती हूँ, मैं लोतिका, और मैं अपने वीडियोस के जरिए दो प्लेलिस्ट में आपको लगातार इंग्लिश सिखाने की कोशिश करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का केवल अफर्मेटिव फॉर्म ही सिखाऊंगी। सबसे पहले स्टेप में मैं आपको ये बताती हूँ कि हिंदी के वो कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको सुनते ही या देखते ही आप पहचान जाएं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फिर आपको आज जो आप फॉर्मेट सीखेंगे उसमें आप फिट करके आराम से उस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में भी बना लेंगे। तो हिंदी के सेंटेंसेस जिनके एंड में आपको चुकूंगी, चुकेंगे या चुकूंगा ये आए, तो आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब ये चुकूंगा, चुकूंगी और चुकेंगे बहुत अजीब सा लग रहा है सुनने में, लेकिन रुकिए मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ। वो आज शाम तक यहाँ पहुंच चुकेंगे, अब अजीब नहीं लगा? अगर मुझे कहना है कि रात होने से पहले मैं आपके घर पहुंच चुकूंगी, तो देखिए चुकूंगी आया, और इस साल के एग्जाम के बाद मैं डॉक्टर बन चुकूंगा। तो चुकूंगा, चुकूंगी और चुकेंगे जिन भी हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको दिखाई दे, आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगी सिंपल सा, जिसमें आप वर्ड्स को सही जगह पर फिट करके सही सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगी कि इसी टेंस में एक और टेंस को यूज करके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बनते हैं, तो वो टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखने के लिए आई बटन में आपको उस वीडियो की लिंक मैं ऑलरेडी दे रही हूँ, तो उसको आप अलग से सीखें। लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि कैसे दो टेंस मिक्स होकर भी ज्यादातर इस टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं डिनर प्रिपेयर कर चुकूंगी जब आप मेरे घर पहुंचते हो, तो आप सबसे पहले फॉर्मेट सीख लेते हैं कि किस फॉर्मेट पर बेस्ड होकर आज के टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं। फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एस इज सब्जेक्ट, शैल और विल में से क्या यूज होगा, ये सब्जेक्ट क्या है, इस पर डिपेंड होगा। V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट में आपको जितना एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ना होता है वो आता है। इस फॉर्मेट से क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल हैव या विल हैव में से कुछ एक यूज होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यहाँ पर यूज होगा। आप याद करिए कि कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो V3 फॉर्म हमेशा यहाँ पर काम आता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ही उस ऑब्जेक्ट में शामिल होगा अगर आपको सेंटेंस का सेकेंड पार्ट भी जोड़ना है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज होगा। तो अब एग्जांपल्स देखने से पहले शैल हैव और विल हैव को भी क्लियर कर ही लेते हैं। जब सब्जेक्ट आई या वी हो सिर्फ तभी आपको शैल हैव यूज करना है, लेकिन आई और वी के अलावा सारे सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, दे, कोई नाम, उन सब के साथ आपको सिर्फ विल हैव का यूज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव डन, विल हैव गॉन, और इस तरीके से भी हम देखते हैं एग्जांपल्स में। तो चलिए फटाफट अब एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये फॉर्मेट दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। वह सुबह तक दिल्ली पहुंच चुका होगा। He will have reached Delhi by morning. He will have reached Delhi by morning. तुम्हारे आने से पहले मैं खाना बना चुकूंगी। I shall have cooked dinner before you reach. I shall have cooked dinner before you reach. Before you reach में you reach यहाँ simple present tense से बना हुआ part है, और sentence का starting first part future perfect tense के format से बना है। I shall have cooked dinner. मेरे आने से पहले तुम यहाँ से जा चुकोगे। You will have gone from here before I come. You will have gone from here before I come. इस साल के अंत तक वो डॉक्टर बन चुकेगी। She will have become doctor by the end of this year. She will have become doctor by the end of this year.
एक और एग्जांपल देखिए, 3 बजे तक मूवी शुरू हो चुकेगी. मूवी विल हैव स्टार्टेड बाय 3 o'clock. मूवी विल हैव स्टार्टेड बाय 3 o'clock. अब इन एग्जांपल्स में एक एग्जांपल आया था, मैं खाना बना चुकूंगी जब तुम आओगे. तो आई शैल हैव कुक्ड द डिनर व्हेन यू रीच. व्हेन के बाद यू रीच सिर्फ सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया. यू है तो एस नहीं लगा. इनके सब बात करने के लिए आज का वीडियो अननेसेसरीली लंबा होगा और 2 चीजें मिक्स होने से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आखिर मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिखा रही हूँ या सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसलिए उस टेंस का वीडियो देखने के लिए आप ऐड बटन को क्लिक करें या उसकी लिंक आपको अभी इस डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मिल जाएगी, तो उसको बाद में सीखें सिर्फ इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट बनाने के लिए. और इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए. आप इस फॉर्मेट को कहीं नोट डाउन करके रखें, कुछ एग्जांपल्स अपने मन से ट्रांसलेट करें और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ सकते हैं, आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व होगी. और बाकी के भी टेंसेस स्पोकन इंग्लिश के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जुड़े रहें मेरे साथ और कंटिन्यू रखें अपनी इंग्लिश लर्निंग. सो दैट्स इनफ फॉर टुडे. अब आपसे विदा चाहती हूँ. मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय.